नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेज ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लेनेशन थीटा द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज सवाल है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक हैज द मैग्नीट्यूड ऑप्शन है एम जी एम जी बाय कॉसिटा एम जी कॉसिटा या फिर एम जी टेन थीटा ना इस सवाल को अगर हम गौर से देखेंगे सो सिनेरियो ये है कि ये आपका ब्लॉक ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर रखा है आपका ये ब्लॉक राइट ब्लॉक का मास एम नाउ इस केस में इस ब्लॉक को अब हम यहाँ से इसको हमने पहिए बना दिए हम इस ब्लॉक को ए एक्सोल्यूशन से ऐसे लेके जा रहे हैं और सिनेरियो ये है कि ये जो आपकी वेज है और ये जो ब्लॉक है दे आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर नाउ ये ग्राउंड के फ्रेम में अगर देखेंगे तो अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये दोनों ही आपके ए एक्सोल्यूशन से जा रहे हैं सा, ये सब आपका सिनेरियो है लेकिन इस वेज पर बैठा हुआ बंदा को देखेगा तो उसको हर वक्त ये आपका ब्लॉक जो है वो यहीं पे रखा हुआ दिखाई देगा और इन दोनों की दूरी हमेशा बराबर रहेगी इसके हिसाब से दोनों आगे मूव कर रहे हैं ठीक है सो हमें बताना है कि ये अब इसके ऊपर बेच दें कितना नॉर्मल फोर्स यहाँ पर लगाया होगा ना इस केस में अगर हम इसका एफ बनाएंगे सो इस ब्लॉक का जो एफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये आपका ब्लॉक नीचे उस पर लगा एम और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन और ये अपना इंक्लाइन प्लेन ऐसे बना लेते हैं ये अपना इंक्लाइन प्लेन है एट एन एंगल थीटा ये आपका थीटा एंगल है और यहाँ से भी आपका थीटा एंगल है ना इस आप ग्राउंड फ्रेम में देखें क्योंकि ये एक्सलेशन इधर जा रहा है तो इसके ऊपर भी आपका एक पीछे फोर्स लगेगा जिसे आप कहेंगे एम ए तो एक फोर्स आपका ये आया एक फोर्स आपका एम ए इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस परपेंडी इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपका ये नॉर्मल फोर्स होएगा हमें बताना है इस नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी नाउ अगर इस नॉर्मल का कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका थीटा एंगल है और इस नॉर्मल का यहाँ कंपोनेंट देखेंगे सो तो आप कहेंगे एन कॉस सीटा विल बी इक्वल टू एम जी विच एम्प्लाईज आपका नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस सीटा सो ये आपका राइट right आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हेंस ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर नाउ इसी सवाल में अगर हमें एक्सलेशन की वैल्यू निकालनी होगी उसके लिए हम पहली इक्वेशन आई मीन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके लिए पहली इक्वेशन तो हम ये यूज़ कर सकते हैं एन काीटा इज इक्वल टू एम जी दूसरी इक्वेशन हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेट कर सकते हैं तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा आपका एन साइन थीटा विल भी इक्वल टू एम ए या आपकी इक्वेशन नंबर वन या आपकी इक्वेशन टू दोनों को डिवाइड कर देंगे एन की सुपारी हो जाएगी एन आपका उड़ जाएगा और ये आपका टेन थीटा एम उड़ जाएगा और ए और जी के टर्म में आपका एक्सेलेशन आ जाएगा सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एक्सेलेशन ऑल्सो